किसे वोट देने का इरादा है जी? वोट चोरी कैदी अरसा। हाँ जी, नहीं 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 चोरी नवाज नहीं, कैदी अरसा चार दा वोट है। हाँ जी, क्या वजह है, क्यों? बस मोहब्बत है। यानी मोने सिलाई को? हाँ मोने सिलाई, क्योंकि उनके माया जी अब तो मोने सिलाई है ना यहाँ। बिल्कुल। और वजह क्या है? वजह कैदी 804, कैदी 804 वजह। जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है, मैं बुलाना मैं करना। अच्छा, मैं मुझे ये बताएं वो वजह क्या है खान साहब की हिमायत करने? खान साहब की एक तकरीर उठा लेना जो उन्होंने कुमाम मुंतदा ने दी थी, ठीक है, मेरे नबी का मुकदमा लड़ा था, बस वही वजह है। वही एक वजह ले लेना आप तो सारे मसले हल हो जाते हैं। हाँ ये तो ठीक है, हमारे लिए जितना मतलब अफजल हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, उसके ऊपर तो देखें किसी चीज़ को हम तरजीह दे ही नहीं ना सकते, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन मुल्क के मफाद में किस कितने बेहतर है? मुल्क के मफाद में आपके सामने उनका काम, उनका सेहत कार्ड है, ठीक है, और उनके जो लंगर खाने हैं गरीबों के। सेहत कार्ड वैसे तो मतलब नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट भी उनका था। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन खान के दौर में आगे हुई है, ये बात मानने वाली है, ऐसे ही है ना। इसके अलावा सेहत कार्ड के अलावा, सेहत कार्ड के अलावा उन्होंने लंगर खाने खोले हैं, ठीक है, और उनको टाइम ही कितना मिला, 3 साल, तो 3 साल में क्या होता। यहाँ से कैंडिडेट मुनोसिला ही है जो कि इस हल्के के नहीं है? नहीं है। और पाकिस्तान में भी फिलहाल नहीं है? वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर कैसे? उसको मैंने आपको वजह बता दी है, खान की वजह से। खान की वजह से नहीं, देखें वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अवाम का मैंडेट होता है जी, एक MPA, आप एक लीडर की वजह से एक ऐसे MPA को वोट दें जो पाकिस्तान में भी नहीं, और पता भी नहीं है पाकिस्तान आएगा भी या नहीं आएगा, मान लीजिए कुछ करेगा भी या नहीं करेगा। लीडर अच्छा हो ना तो नीचे वाले खुद ही ठीक कर लेता। खान के नीचे ठीक हुए थे लोग? सारे वही लोग थे घूम फिर के जो नहीं हुए थे। अलीम खान का हाल देख लें, ठीक है, जहांगीर तरीन का हाल देख लें, सब फारिग हो गए ना। उनका हम छोड़ के जाएंगे, तो वैसे MNA हम छोड़ के जाएंगे, तो भी MPA भी दो में हम छोड़ के जाएंगे, खान की पार्टी तबाह हो जाएगी, ऐसे ही हुआ था। लेकिन वो तो और ज्यादा बम्प हो तो गई है, कहाँ वो फार्म 47 पे तबाह हुई है भाई, फार्म 47 पे। अच्छा जी, फार्म 45 पे तबाह नहीं हुई। ये आपको लोटा क्यों कह रहे हैं? वो कही है जिन्होंने फार्म 47 का पता ही नहीं, लेकिन फार्म 47 रुपी जा रहे हैं। फार्म 47 किसी को पता ही नहीं, फार्म 47 हमें सिर्फ बेफार्म का पता था भाई। अच्छा, 45 और 47 खान ने बताया। क्या होता है 45-47? जो होता है जो पोलिंग एजेंट को मिलता है, जिस पे सारा वो मैनुअल रिजल्ट होता है। फार्म 47 वो जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है अपने सिद्धांत धूंधली करके, तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने लीडर पैदा किए, सियासतदान ही पैदा किए। एक सियासतदान पैदा किए ना कि बड़िया की इज्जत ना करो, छोटिया बदनाम करो, ये वो सियासतदान ने। खान साहब ने इन्हों शौर दिता लड़न का, झगड़न का, इन्हों चीज़ों का, काम का किसी शौर नहीं दिता। यह दीवार की गई है, ये कानी की सेफ्टी वास्ते की गई है कि जेडे लोग आते ने कोई सौदा खरीदने या जिस तरह वो इन्होंने बच्चे अगे सड़क पर ना जाते वास्ते सेफ्टी की। दूसरा यह जी सड़क बनती पी है, ये सर्विस रोड बनता पे है, ये इन आवाम की सहूलत वास्ते बन रहे हैं, ये कोई नवाज शरीफ शबाज शरीफ की सहूलत नहीं, ये आवाम को सहूलत मिली। अगर ये कहते हैं कि जी आप खान ने यह काम किया है किया, वो साबित तक कहड़ा किया? कहते हैं लंगर खाने बनाए ने जी, लंगर खाने सैलानी वाले ने बने ने। अच्छा, आज तेनों ये नहीं पता सैलानी वाले कौन ने? सैलानी वाले कराची की पार्टी है। फिर उन्होंने सेहत कार्ड बनाया जी, सेहत कार्ड जो उस पहले नवाज शरीफ 85 बनाया, पर इंप्लीमेंट खान के दौर गल नहीं, नहीं सारे किया है, लेकिन ये जरा उजागर करता है ना, इन्हें कोई और चीज़ कोई नहीं सी, कर्जे लैके जेबा ही पा लै, उजागर करता है, सेहत कार्ड बनाते, सेहत की है? सेहत तो सर जुड़े जेड़ा पंजाब कडियालो जी शुरू तो दिल के मरीजों के स्टड भी फ्री पेंदे सी, उन्होंने दवाइया फ्री मिलदियां सी, हुण वो नहीं मिलदियां, ए फिर शुरू हो गई ने। फिर 4 साल दौर चो दवाइया मिली ही नहीं किसी को, सारे लोग कीमत लेनिया पैदा। और बड़ी किस्म की वैसे सेहत कार्ड दवा के तुम सही कह रहे हो, करप्शन हुई है, मैं आप है नहीं शायद जी, मैं आप चेक किया सेहत कार्ड की जी जी करप्शन हुई है जिनी हुई है, बिल्कुल मैंने आप अंदाजा है। हाँ तो बाकी देखो जी जिन्या सड़कों के जाल विछाए ने नवाज शरीफ के दौर विछे ने, नून लीग ने इन्ने काम किए ने कि सोच भी नहीं आ सकती। अज अगर असी एटमी ताकत है तो इंडिया के सामने खड़े हैं, एटमी ताकत होंगे इंडिया सू जो मर्जी कर सकता सी। अच्छा बड़े एक होर गल मैं दसो ना जरा, नून लीग ने जो हुकूमत लई है तुम सारे तुम बयान भी सुने हो गए, मरियम ने भी कहा जिनी तेजी ठप्पे लगन गए शेयर तो उन्नी तेजी महंगाई घट होएगी, ठीक है मान लिया। फिर उदो उन्होंने ये भी आखा कि 150 का पेट्रोल जो आवाम पाँदी है तो साडा दिल खून के असर होंगे, हूँ 300 का पाँदी है तो आवाम उन्होंने दिल नहीं खून के असर हो रहा। लेकिन गल ये कि जो तेल सू पिछों महंगा मिलेगा अगे असी सस्ता किए करा,
असी ईरान का मुआहदा किया, गैस का मुआहदा किया, तेल का मुआहदा किया, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम सीधा होएगा, यकदम तो नहीं होएगा। रोटी यही 20 तो 16 से लै आती है, 4 रुपये घटाई है ना, असं घटावे रोटी घटावे आटा घटावे महंगाई घटेगी। रोटी असं कहता हूँ 16 रुपये की देनी है, 20 की नहीं देनी, 16 की देनी है, पर तंदूर वाले जो आटा मिल रहा है पिछों वो असं नहीं वेखा कि मिल रहा है। नहीं नहीं तंदूर वाले ना ना उन्होंने भी सबसिडी मिल रही है ना, तंदूर अपना मिलों वाले मिलने लगे तंदूर वाले सबसिडी दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? शुभाष शरीफ के दौर जब 2 रुपये की हुई रोटी थी, शुभाष शरीफ साहब ने जी हर तंदूर वाले सस्ता आटा दिता, साढ़े इतने कल जी प्लान लगे से उस वक्त 2 रुपये रोटी वेखती रही है, 2 रुपये रोटी वे हूँ भी इंशाला विकेगी, जरा टाइम चाहिए थोड़ा हो 2-4-5 महीने बाद बड़ा बड़िया तब्दीलियाँ आनगियाँ, इंशाला इंशाला।